शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। पापा जी, वो कड़ी आ गई आ गई। ओ कड़ी आ गई आ गई आ गई। आधे 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 आधे। आप अभी से तैयार हो गए? ओ बद्री, तू भी टू मच गल्ला करता है यार। अपना पुत्र इतने सालों बाद अमेरिका से घर वापस आ रहा है, तो एयरपोर्ट नहीं जाना क्या? तू क्या चाहता कि प्लेन कर की लैंड पर लैंड कर जाए? ओए क्यों स्लीव? लेकिन साहब, जहाज तो कल सुबह ही आएगा। ओ, सुबह तो हो गई ना भाई, क्यों स्लीम है? यार ऐसा क्यों है? आप अपनी घड़ी में देखिए क्या बजा है। घड़ी में क्या बजा? ओए यार, एक घड़ी तो रुक गई है, घड़ी तो चल ही नहीं रही है मेरी यार। घड़ी घड़ी ठीक ही चल रही है, आप तेज भाग रहे हैं। ओए बद्री, इतने सालों बाद मेरा पुत्र अमेरिका से वापस आ रहा है, मुझको तो लग रहा है वक्त जो है वो थम गया है। क्यों स्लीम? इसे क्या हो गया यार? सो रहा है स्लीम, सो रहा है। ओ स्लीम, ओ स्लीम, चलिए। कहाँ चले? तू ये आंखें खोल के खराटे गाय को पड़ रहा है भाई। ओ सर जी, अपनी आंखें इस टाइप की हैं, एक बार बंद हो जाती है तो खुलती नहीं है, खुलती है तो फिर बंद नहीं होती है। एयरपोर्ट में खुली हुई चाहिए, इसलिए आंखें खोल के सो रहा हूँ मछली की तरह। जैसे आप कहेंगे चलो रोड में तैयार, तो वह निकल जाऊंगा। ओ नमस्ते अंकल जी। महाराज। ओ जर्मन, तू भी इधर आ गया। महाराज बेस्ट फ्रेंड आ रहा था, एयरपोर्ट तो आना ही था ना। एक बात बता, तेरा नाम जर्मन कैसे पड़ गया है? महाराज कितनी बार तो बता चुका हूँ, एक बार जब मैं बचपन में छोटा सा था ना, तो मेरे पिताजी शिमले से जर्मनी गए थे। वहाँ से मेरे लिए कुछ लेके नहीं आए थे, बस उस कंट्री का नाम लेकर आए थे। कहने लगे बेटा आज से तेरा नाम नथु नहीं जर्मन है। अच्छा हुआ तेरे पिताजी पोरबंदर नहीं गए, नहीं तो तेरा नाम बंदर पड़ जाता। जर्मन ये बता के कब देगा? मैं मर जाऊंगा तब देगा तू? महाराज ये क्या मांग रहा है तुझसे भाई? मालिक इसने मेरे महाराज कुछ नहीं, कुछ नहीं मांग रहा। क्या मांग रहा है तू? तू ये बता, तू अपने दोस्त को बचाने का कि नहीं है? महाराज कैसी बातें कर रहे हो, उसके बचपन का फोटो है मेरे पास। आ गया मेरा गुड मैन दी लालटेन। ये क्या डैड, कितना वेट पुट ऑन कर लिया आपने? ओए अब तू आ गया सब ठीक हो जाएगा। तू ये बता तेरा सफर कैसा रहा यार? टेरिफिक डैड, टेरिफिक। छोड़े मालिक,
आपके ड्राइवर सलीम की तरफ से आपका वेलकम है। थैंक यू सलीम। महाराज मेरी तरफ से भी सेम टू सेम है। ये कौन है? उजी महाराज मेरे को नहीं पहचाना, मैं जर्मन आपके बचपन का दोस्त। जानना पहचान, मैं तेरा मेहमान। लेकिन छोड़े मालिक, ये तो कई सालों से आपके दोस्ती के किस्से सुना सुना के हमें बोर कर रही है। बोर कर रही है? सुबह पर सॉरी गलती होगी, आगे से आपको दोस्त नहीं कहूंगा मैं। ओए जर्मन का दोस्त। अरे ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। उत्तर जी, ये हमारे कुटुंब के पुरोहित जी हैं। आशीर्वाद। आयुष्मान कीर्तिमान, बड़ी शुभ घड़ी में घर में पधारे आप। बद्री काका, छोटे मालिक, माँ के गुजर जाने के बाद आप ही ने तो मुझे पाला है। छोटे मालिक, आओ आओ अंदर आओ। अबे इस स्कूटर को स्टार्ट कर लिया, पर ये तो बता के मुझे देना कब स्टार्ट करे। महाराज उसी का इंतजाम करने जा रहा हूँ मैं। अबे ये तो बता दे कि कब देगा, मैं मर जाऊंगा तब देगा। लगता कि इसने मेरे से सिंगल ब्याज पे पैसे उधार लेकर किसी और को डबल ब्याज पे चढ़ा रखे। और नमस्ते सनी गोयल जी महाराज। आगे आगे जर्मन। आजा 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 महाराज, प्यार से बुलाने के लिए हाथ पकड़ के थैंक यू वेरी मच। अरे कैसी बातें कर रहे बाबा, आजा बैठ जा। महाराज बैठने के लिए तो मेरे घर में भी सोफा सेट है बाबा। महाराज गले बाद में लगना, पहले मेरा कर्जा वापस कर दो। दे दूंगा ना बाबा जल्दी, क्या सबर करो ना बाबा। महाराज सबर करते करते लगता है एक दिन मैं तो कब्र तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है तुम पहुंच जाओ बाबा, मैं वहां पहुंचा दूंगा ना बाबा। महाराज मजाक मत करो, देखो जो पैसे मैंने आपको दिए हैं ना वो मेरे नहीं है, मैंने सलीम से उधार लेके आपको दिए हैं। हो कट में थोड़ी ने दिया आपने बाबा, सलीम से 2% इंटरेस्ट पे लेके मुझे 5% इंटरेस्ट पे दिया है ना बाबा। उसी लेकिन मेरे इंटरेस्ट से आपको क्या इंटरेस्ट, आप तो मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस कर दो बस। अच्छा ठीक है, कितने देने हैं बाबा? महाराज असल में 1,00,000, इंटरेस्ट के 50,000, कुल मिला के हो गए 1,50,000 हो गए ना बाबा। है ना। अच्छा वो डॉक्यूमेंट्स लाए जो हमने साइन किए थे बाबा? महाराज डॉक्यूमेंट साइन नहीं किए थे, आपने कहा था जर्मन तेरी जबान काफी है। तो बाबा उन लोगों को लिया जिनके सामने आपने पैसे दिए थे बाबा। महाराज पर उस वक्त तो मेरे और आपके अलावा वहाँ कुत्ता तक नहीं था। कुत्ता तक नहीं था। कौन है तू? महाराज किससे बात कर रहे हो? अबे तुझसे बात कर रहा हूँ, कौन है तू? देखो मेरा कर्जा वापस कर दो। नहीं अबे कर्जा मांग रहा साले, जानता है तू किससे बात है? पुलिस को बुलाता हूँ। छोटी सी बात के लिए पुलिस किस लिए है? अरे मेरे पैसे आपके पास रहे या बैंक में रहे, बात तो एक ही है ना। तो अब पता चला ना कि कर्जा कैसे मांगा जाता है बाबा। हाँ महाराज, इज्जत से आहिस्ता से, सबके सामने नहीं कान में बाबा। ओ विजय पुत्र, ओ इंडिया वेलकम्स यू। थैंक्स थैंक्स। अनीता कैसी, हाउ शी? ओ शी तो खड़ी है हाथ में लेके गुलाब, पर तू उसको पहुंचाना देना पंजाब। ओ अले गलकर गलकर विजय। हेलो, हाय विजय, व्हाट अ लवली सरप्राइज। मैं तो हमेशा सरप्राइज में ही बिलीव करता हूँ अनीता। और सुनाओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, और अब जब तुम आ गए हो तो और भी ठीक हो जाऊंगी। ओके ओके, सी यू सून। ओके श्योर, सी यू, बाय बाय। व्हाट एन इंटरेस्टिंग गाय। ओए गाय तो ठीक है, लेकिन इस कोड़े की बात कान खोल कर सुन। ये तो तेरा मामा है ना खराती लाल, विश्वनाथ की फैक्ट्री में खैरात के लिए नहीं तेरी भारत के लिए काम कर रहा है। मौका मिलते ही मुझे इस दूर की रिश्तेदारी को नजदीक की रिश्तेदारी में बदलना है। तुझे उस कार की बहू बनाना है मुझे। So dad, what else is happening? How's life, business, health? ओ पुत्र बिजनेस तो एकदम टॉप टॉप चल रहा है, पर तब ये थोड़ी गड़बड़ चल रही है। क्यों डैड? प्रॉब्लम क्या कि सारे झंझट मेरे कल्ले के सर पर आ गया है ना, इसलिए बीपी थोड़ा बढ़ गया है साहब। और ये यार मैं काजू नहीं खा सकता, तेरे को पता है। फिर शुगर का भी प्रॉब्लम है। ओ यार मैं विस्की नहीं पी सकता, परे रख यार। लेकिन क्यों डैड? ओ तुम्हें बताया ना मेरा ब्लड प्रेशर मेरा शुगर, डॉक्टर ने मना किया यार। डैड दैट्स बैड। ओए पुत्र नॉट सो बैड, यू नो व्हाई? व्हाई? चले आदे आदे आदे, अब तू आ गया है, मैंने फैसला कर लिया है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां तेरे सर पर सौंप कर मैं आराम से आराम करूंगा। ऐसे दैट्स नॉट पॉसिबल। आप क्या चाहते कि मैं यहां सेटल हो जाऊं और अमेरिका लौट कर नहीं जाऊं, 1 के 10 और 10 के 100 करोड़ कर दूं? Dad, you're trying to con me. चलाकी भरी हुई आपकी पेट में चलाकी। तूने चलाकी का? और नहीं तो क्या? 2400 घंटे काम करके आपको क्या मिला है पापा?
ब्लड प्रेशर, शुगर, एक पैक विस्की नहीं पी सकते, एक टुकड़ा मिठाई का नहीं खा सकते। जो दादाजी ने कमाया उसे आपने दुगना चौगना कर दिया, अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने कमाया उसे मैं दुगना चौगना कर दूं। व्हाई डैड व्हाई? पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कमाते जाएंगे तो खाएगा कौन और पिएगा कौन? नो डैड नो, जो गलती आपने की है वो मैं नहीं करूंगा। जब जी चाहे मजे करूंगा, जब जी चाहे काम करूंगा। तो रिजल्ट ये हुआ कि तुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस ही नहीं होती है। नो जिम्मेदारी नो बिजनेस ओनली हैप्पीनेस दैट्स इट। कुछ नहीं। और बद्री, ये चैनल चेंज करते वक्त जो कुछ बोला तेरी समझ में आया? नहीं आया साहब। और मेरी समझ में भी नहीं आया। अरे पर इसमें समझने को है ही क्या? यही ना कि घर के सारे लोग मजे करते रहे और अकेली मैं नौकरी करती रहूं, मरती रहूं, खपती रहूं। ओहो माया, जब देखो चपड़ चपड़ करती रहती है। चुप बैठ। चुप तुम बैठो। कितने जोर जुगाड़ करके तुम्हारी शादी करवाई थी और 3 ही महीने में तुम्हारे पति देव ने वापस यहाँ लाके पटक दिया। क्यों भाई, तुम्हारे दिल के ऑपरेशन का खर्चा मैं क्यों करूं? तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ दे या फांसी पे लटका दे, मुझे क्या लेना देना? मैं तो अपनी शादी रचाऊंगी यार। मैं अपनी शादी रचाऊंगी और चली जाऊंगी अपने हनीमून पे। बाहर में जाओ तुम सब लोग, यही कहना चाहती है ना तू? सॉरी दीदी, मैं तो... मैं इतनी सेल्फिश, इतनी मतलबी दिखाई देती हूँ तुझे? क्यों माँ, क्या ये रोज इसी तरह मेरी नकल करती रहती है? बिल्कुल, तुम घर से निकली नहीं कि इसका मिमिक्री आइटम शुरू हो जाता है। सॉरी दीदी, गलती माफ। गलती गलती कुछ नहीं, नकलची बंदर। बंदर नहीं, बंदरिया। नकलची बंदरिया, गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। सजा क्या होनी चाहिए? हाँ, घर के सारे कपड़े आज तू धोएगी। दीदी। नो दीदी, कम ऑन। जल्दी जल्दी। ओ धर्मपत्नी जी, मायके में बैठे बैठे कॉमेडी करती रहोगी या ससुराल आने का भी प्रोग्राम है? अरे जीजा जी, जी जीजा जी, ही करके जिस बेचारे के पीठ में छुरा फूंक दिया आप लोगों ने, वही जीजा जी। दिल में छेद है बताए बगैर लड़की मेरे गले बांधती, सुहाग रात तक का चांस नहीं मिला, फूल दिखाया पत्ती हाथ में पकड़ा दी, पूछते पर कहते हमें इसकी बीमारी के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। मगर मेरी माँ को ये जवाब पसंद नहीं है, इसलिए वो कहती है कि इसे तलाक दो और दूसरी शादी की तैयारी करो। नहीं जीजा जी, हम मंजू दीदी का इलाज जरूर करवाएंगे, बस हमें 2-3 महीने का वक्त दीजिए। डायलॉग डायलॉग रहने दो, हर बार यही सीन चलता है, लेकिन आज के इस सीन का ये आखिरी डायलॉग होगा कि लड़की के दिल का होल बंद करवा के भेज दो तो हैप्पी एंडिंग, वरना फुल डिवोर्स। सी यू, टाटा, थैंक यू। ले बैग पकड़ और हाथ पकड़। तू मचा तू यार, वो जो डेलीगेशन आया था ना कनाडा से, उसने अपने केबल की क्वालिटी देखकर कहा कि आइंदा उनके देश में जितना केबल लगेगा हमारी फैक्ट्री से मंगाएंगे। नमस्कार, तूने कोटेशन पर भेज दिया था। कौन सा कोटेशन? कनाडा वालों का कोटेशन। तुझसे कहा था कि नहीं कहा? मुझसे कब कहा था? वही पेपर साइन करके दिए थे मैंने। भाई साहब, लगता आप कुछ भूल रहे हैं। मैं भूल गया तो तेरे को तनख्वाह पगड़ी पहनने की देता हूँ। ला मेरा बैग, खोते पड़े पड़े मेरे ऑफिस में। भाई साहब देते हैं गाली पे गाली, लगता है जाना पड़ेगा मुझे कुल्लू मनाली। ओ ब्लडी फूल, डैम फूल पड़े हैं ऑफिस में, ये तो टू मच हो गया यार। क्या हुआ सर? ओ कनाडा से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर आया था और ये बेवकूफ खराती लाल कोटेशन भेजना भूल गया। अब वो तो मैंने भेज दिया सर। ओए तूने भेज दिया था? हां सर, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अपनी मेज पे रखा था, मैंने देख लिया, भेज दिया। बहुत अच्छा किया तूने पुत्र, नुकसान से बचा लिया, मेरा तो दिमाग ही ठप हो गया, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कूल सर, गुस्से से बीपी बढ़ता है। ओ मेरे को कहां गुस्सा आता है पुत्र? शकर नहीं, शकर नहीं, ये लीजिए आपकी गोलियां। मैं लोगों से कहता फिरता था कि मेरा पुत्र अमेरिका से आएगा, काम में मेरा हाथ बटाएगा, फिर मैं आराम करूंगा, मगर इसको कुछ पड़ी नहीं है। ठीक है ना सर, आजकल के बच्चों को थोड़ा सा वक्त लग जाता है सब जिम्मेदारियां संभालने के लिए। कहता है लाइफ एंजॉय करेगा और दुनिया फास्ट भाग रही है, भी उनके साथ भागेगा फास्ट। He's got style, he walks in style, he talks in style. He's got style, he's got style, he's the man with the style, yeah, he's got style. Da 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 da
सुबह शाम डिंग तारा डिंग तारा डिंग तारा डिंग तारा। मैं हर लड़की का सपना हूँ, किसी से भी ना फ्लर्ट करो, शादी ना करना किसी से तुम, हर लड़के को अलर्ट करो डिंग तारा डिंग तारा डिंग तारा डिंग तारा। सारी दुनिया में जाऊंगा, मुमताज को ढूंढ के लाऊंगा, मेरे अंकल नहीं, ये मैं तो मेरे डैड हैं। तो बद्री, इसके गालों पे जो लाल लाल चीज लगी है लिपस्टिक है ना? साहब जी, छोटे सरकार ने तो पार्टी में कमाल ही कर दिया। मामला गड़बड़ है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। बाय अंकल। ठीक है, ये कन्या को देखिए, हाहाहा, सुबह के टाइम ये मनीषा कोइराला दिखती है। नाम है तारा, गांव है सतारा। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। जय रिजेक्टेड। नेक्स्ट पंडित जी, ये देखिए, दिन में माधुरी दीक्षित दिखती है, एरंडी तेल के राजा की बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट, ये देखिए, ये रात में जूही चावला लगती है, इकलौते बाप की करोड़पति बेटी है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। रिजेक्टेड। नेक्स्ट, क्यों पापसी, कंपनी एड के लिए मॉडल देख रहे हो क्या? मॉडल नहीं, लड़की देख रहा हूँ शादी के लिए। यार इस उम्र में शादी करेंगे आप? ओए अपनी शादी के लिए नहीं, तेरी शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ। आते आते, और मेरी शादी के लिए लड़की आप क्यों देख रहे हैं? ओ ये भी करेक्ट है पंडित जी, आप हाथों हाथों इनको एल्बम दिखाओ जी। आप दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, ये रात के अंधेरे में उर्मिला माटुंगकर दिखती है। बोलो श्री सत्यनारायण देव। प्लीज पैक योर बैग्स एंड लीव। मेरा नाम पंडित राम प्रसाद है। गेट आउट। इशारे से लगता है आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। आई एम सॉरी डैड, मुझे शादी नहीं करनी। मतलब बिल्कुल नहीं करनी, अभी नहीं करनी भाई? मतलब जब तक मुझे अपनी पसंद की लड़की नहीं मिलती तब तक नहीं करनी। मगर पुत्र जी महाराज, आपको अपनी पसंद की लड़की मिलेगी कब? ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको? She has to suit my temperament, my nature. I have to like her, she has to like me. हम एक दूसरे को समझे, जाने, फिर प्यार, फिर शादी।
इसके लिए दिन भी लग सकते हैं, साल या 10 साल। हाउ कैन आई से दैट? क्या कर रहे हैं साहब? ये मत खाइए, ये मत खाइए। डॉक्टर ने मना किया है आपको, मत खाइए। आप शुगर नहीं खाइए। डैड ये क्या कर रहे हैं आप? Have you gone mad? Have you gone berserk? Yes, I have gone mad. I have gone berserk. पुत्र, तू चाहता था कि मैं life enjoy करूं, तो मैं life enjoy कर रहा हूं। आपको diabetes है, आपको sugar की बीमारी है। मुझे sugar है, diabetes है। मुझे पता है कि मिठाई खाने से मर सकता हूं, तो मर जाने दे मुझे भाई। तेरे जन्म से तेरी मां चल बसी, लेकिन मैंने तेरी वजह से दूसरी शादी नहीं की। इकलौती औलाद को आंख से ओझल नहीं कर सकता था, लेकिन तेरी जिद पर मैंने तुझे अमरीका पढ़ने भेज दिया। तू इतनी सारी डिग्रियां हासिल करके भी काम पर ऑफिस में नहीं आया, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं। तू क्लब में नाचा, तूने दारू पी, इतनी देर रात को घर पर आया, मैंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं 50 के ऊपर हो गया हूं, और जो तेरे रंग ढंग है ना, मुझे नहीं लगता मैं अपने पोतों के साथ खेल सकूंगा। तो फिर किसके लिए जीऊं भाई? मैं शादी करूंगा डैड। आप जिस लड़की के साथ कहेंगे मैं उस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हूं। फैंटास्टिक, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? मैं पहले 1 साल के लिए शादी करके देखूंगा। 1 साल? क्या मतलब? अगर उस 1 साल में उस लड़की के साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी बिताने की इच्छा जागे, और उसे भी मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का मन हो, तो ठीक है। और हम दोनों में से किसी एक को भी ऐसी फीलिंग पैदा ना हो तो तलाक। वी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तू बांगला हो गया? तेरा दिमाग चल गया है? ऐसी कौन सी लड़की होगी जो 1 साल तक बीवी बनने के लिए तुझे शादी के लिए हाँ कर देगी? हाँ, हाँ करेगी तो शादी करूंगा, वरना नहीं। ओए बद्री, देखा तूने? इसको शादी करनी नहीं है, इसलिए उल्टी सीधी शर्तें रख रहा है। दरअसल इसको अपने बाप की इज्जत की जरा भी कदर नहीं है। क्यों नहीं है साहब? कदर है। खाक कदर है। अगर 1 साल शादी के बाद इसने लड़की को छोड़ दिया तो वो तो सड़क पर आ जाएगी ना, उसकी तो जिंदगी हो जाएगी ना तबाह। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, कुछ नहीं होगा। आप भी तो पहले शादी नहीं करूंगा नहीं करूंगा ये बोलते थे ना, लेकिन शादी के बाद छोटे मालिक के पैदा होते ही खुशी से नाचते फिरते थे। साहब आप बस इतना करो कि एक अच्छी सी लड़की देखो, बाकी का सब वो लड़की खुद ब खुद देख लेगी। हाँ लेकिन भाई साहब जी, पहले मेरी मेघा की शादी होगी, बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी नहीं कर सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। वो क्या है ना बहन जी, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, दहेज की बात पक्की कर लेते ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्यों भाई? हाँ भाई, हमारे आलोक ने एमए पास किया है, कई लड़की वाले चक्कर काट रहे हैं, एक पार्टी तो 3 लाख तक देने को तैयार है। अरे कैसी बात करती है, प्यार के आगे पैसा क्या चीज है? नहीं बहन जी नहीं, हम ठहरे नए ख्यालात के लोग, आप सिर्फ 2 लाख दे दीजिए। आप बस एक 2-3 महीने का वक्त दे दीजिए, हम इंतजाम कर लेंगे। ठीक है, तो फिर बात भी तभी पक्की कर लेंगे। क्यों भाई? उठो भाई, महीने के महीने किराया चुकाना भारी पड़ रहा है। तूने 2 लाख की बात कैसे मान ली? वो छोड़, पहले छोटी का ब्याह करेंगे तो तेरे ब्याह में अड़चन नहीं आएगी। हाँ मुझ में कोई दोष होगा यही सोचकर कोई मुझसे शादी करने नहीं आएगा, यही ना? अरे मैं गोरानी, और तुझ में कितने दोष क्यों ना भरे पड़े हो? तेरी आंख में मोतिया हो, बाल सफेद हो, पांव टूटा हो, हाथ टूटा हो, लेकिन फिर भी तेरा ये सेवक यशवंत कुमार ना 24 आवर्स तेरी सर्विस में तैयार खड़ा मिलेगा। माँ कितनी बार कहा है कि दोनों घरों के बीच दीवार उठवा दो। अरे दीवार उठवाने से कुछ नहीं होना मैं करोनी, क्योंकि दुनिया की ऊंची से ऊंची दीवार को ना तोड़ के मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब तू इतनी सी थी और मैं इतना सा था, तब तेरे स्वर्गवासी फादर ने मेरे स्वर्गवासी फादर के साथ तेरी मेरी शादी की बात चलाई थी। मगर यशवंत मेघा को तू पसंद नहीं है। अरे मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, 7 times बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ। अगर मेघा रानी का कोई हाथ मांगने आया ना, तो सबसे पहले उसे मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये मेरा साइज देखो, ये मेरी बॉडी देखो, ये मेरी वी शेप बॉडी देखो, ये मेरा राइट डोला देखो, ये मेरा लेफ्ट डोला देखो। मौसी जी, मेरी साइज की बॉडी वाला दिमाग आपको नहीं मिलना। बॉडी का साइज तो ठीक है, लेकिन कभी अपने खोपड़ी के अंदर का साइज देखा है? के मतलब? मतलब कुछ नहीं, फूटी मेरी किस्मत। ओ महाराज, ये तो सुबह सुबह कर्जा लेने आटप का। ऐसा करता हूँ, दरवाजा बंद कर देता हूँ, चिटकनी लगा देता हूँ। जर्मन, ओ जर्मन। ओ जी भैया घर पे नहीं है, वो सुबह सुबह रामलीला मैदान में गुल्ली डंडा का मैच खेलने गए हैं। इन
ठीक है मैं अभी तो लौट के जा रही हूँ, लेकिन जर्मन से कहना कि कल फिर वापस आऊंगा। बाय बाय। ओजी पैरों की आवाज से तो लगता है कि चला गया है। जर्मन जी, जर्मन जी। ओजी कौन है जी? मेरा नाम मोना लिप्टी है, मैं यहाँ गली के नुक्कड़ पे रहती हूँ। आपको हर रोज स्कूटर पे आते जाते देखती हूँ। बड़ी तमन्ना है कि आपकी पिछली सीट पर बैठकर आपको पीछे से टाइट लिपटूं। ओजी मोना लिप्टी जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है जी? मैं आ रहा हूँ जी। और मोना लिप्टी जी किधर हो आप? पकड़ लिया, पकड़ लिया। महाराज आप तो वापस चले गए थे। जैसे क्या था वैसे लौट के आ गया हूं। लौट मेरा कर्जा निकाल तू। महाराज अच्छा कॉलर तो छोड़ो। मैं छोड़ दिया। एक बात बताओ, आपने मेरे को कितने पैसे दिए थे? असल के 1,00,000 सूद के 20,000 टोटल मिला के हो गए 1,20,000। महाराज वो डॉक्यूमेंट लाए हो जो हमने साइन किए थे? डॉक्यूमेंट तो कोई नहीं साइन किए थे। महाराज उन गवाहों को तो ले आओ जिनके सामने पैसे दिए थे। गवाह तो एक भी नहीं था रूम में। ओ हो हो, महाराज कौन हो आप? किसे बात कर रहा है तू? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कौन हो आप? मैं आपको जानता नहीं हूँ। ओहो समझ गया, तू मेरा उधार। उधार? फिर उधार की बात की? निकल जा यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलवा के अंदर करवा दूंगा तेरे को मैं। जर्मन आहिस्ता बात कर यार, मार्केट प्लेस है, मेरी भी कोई इज्जत है। महाराज आपकी इज्जत से मुझे क्या लेना देना? कौन तो छोड़ यार, तू तो खाम खा नाराज हो रहा है। जर्मन मेरा पैसा तेरे पास हो या मेरे बैंक में, बात तो एक ही है। हाँ अब समझ में आया ना, कर्जा कैसे मांगना चाहिए? धीरे से, इज्जत से, कान में मांगना चाहिए। ठीक है आगे दे, ऐसी मांगूं। भाई खराती लाल, ये तूने बहुत 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 अच्छा किया कि मुझसे डायरेक्टली पूछ लिया। अब मैं भी तेरे को बिना किसी लाग लपट के जवाब दे सकता हूँ कि अनीता के साथ अपने बेटे की शादी की बात मैं सोच भी नहीं सकता। भाई साहब मत छेड़ो ऐसी ताल की, जाना पड़े नैनीताल। अनीता के माँ बाप के मरने के बाद अनीता और उसके मामे का सहारा सिर्फ आप है। और वो बेचारी अनीता बचपन से यही सपना देख रही थी कि उसका पति पति विजयी होगा। ओ भाई ऐसा थोड़ा ही ना होता है खराती लाल, कि जो सोच लिया वो हो भी जाए। भाई मैं जानता हूँ मेरे लड़के के नेचर को कौन सी लड़की सूट करती है, और फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने उस लड़की को चुन भी लिया है। तुम एक काम करो, अनीता के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो, और पैसे वैसे की फिक्र मत करो। मैं खुद उसे अपनी बेटी समझकर उसका ब्याह कर देता हूँ। ओके नाउ यू कैन गेट आउट। ओ गेट आउट भाई। मेगा, मे आई कम इन सर? कम इन, कम इन भाई, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। व्हाट इज ऑल दिस? सर मैं सैलरी स्टेटमेंट बना के लाई हूँ, अगर आप एक बार देख लें तो। अब उसकी जरूरत नहीं है, और कल से तुम्हें काम पे आने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? You are dismissed from the job. तुम्हारी नौकरी गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों जा रही है? वो इसलिए जा रही है कि मेरी होने वाली बहू मेरे ऑफिस में नौकरी कैसे करेगी, हैं? वो ये तो मैंने कुछ टू मच ही कर दिया, तुमसे तो पूछा ही नहीं। चलो अब पूछ लेते हैं। भाई क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हाँ? हाँ? ओए ओए कमाल हो गया, कमाल हो गया। हाथे 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 सुंदर हो। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, जैसे शारजा में इंडिया पाकिस्तान से क्रिकेट में जीत गया हो। ओए तू पुत्र जाकर मैरोली में मेरे फार्म पर जा। सर आप बाटे बाटे सर्वर कुछ नहीं, वहां मुझे पहले बैठा है, उससे जाकर मिल, दिल खोल कर बातें कर, मुझे रिजल्ट पहले ही पता है। ओए मुहूर्त निकलवाता हूँ, फैंटास्टिक काम हो गया जी। ओए तू फाइल मार, बोली मार हो गया यार।